तो दोस्तों अभी देश भर में जो है चुनाव का दौर चल रहा है और किसी भी एग्जाम के संबंध में लेटेस्ट अपडेट नहीं आ रही हैं तो ऐसे में कई सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि दरोगा स्केलर का फिजिकल कब तक होगा आ, कब तक हमें इसी तरह से प्रिपरेशन करनी होगी तो मैं बता दूं कि इसकी एक संभावित तिथि आपको बता देता हूं और साथ ही जो आबकारी जो है ना आबकारी परीक्षा जिसमें फिजिकल के लिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हुए थे तो उनका जो रिटर्न एग्जाम होगा वो कब तक होगा इसके बारे में भी मैं आपको संभावित तिथि बताऊँगा तो बने रहें एंड तक तो आप तैयारी करें फिजिकल क्योंकि फिजिकल ही इंपॉर्टेंट है यदि आप दरोगा का फिजिकल क्लियर कर लेते हैं और स्केलर का फिजिकल क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आप रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आपकारी परीक्षा आपकारी परीक्षा जो होगी ना आपकी ये आपको देखिए अभी इलेक्शन आपके समाप्त हो जाते हैं उन्नीस को तो उन्नीस को इलेक्शन है तो उसके बाद जो है आयोग सबसे पहले जो है यूके एसएससी द्वारा ये भर्ती निकाली है तो यूके एसएससी एस सी यहाँ पर डेट जारी करेगा जिसमें सबसे पहले तो आपका ये आपकारी जो है परीक्षा होगा जिसमें उप निरीक्षक के भी थे कम से कम दो छत्तीस पोस्ट पर ही वैकेंसी रिलीज हुई थी और इस पर जल्द ही इसका जो है इसका लिखित एग्जाम का कैलेंडर तैयार किया जाएगा साथ ही जो आपका नेक्स्ट एग्जाम है स्केलर का और इसका जो फिजिकल है स्केलर तो फिर बाद में आया था उससे पहले आया था दरोगा तो दरोगा जो है इसका जो है जो नोटिफिकेशन निकाला है वो निकाला है यूके पीएससी ने निकाला है जी ठीक है यू के ने निकाला है और ये यूके एसएससी ने निकाला है तो ये दोनों जो आपके आयोग हैं ये इनके जो है फिज़िकल के लिए डेट निर्धारित करेंगे और प्लेस निर्धारित करेंगे कि कहाँ पे आपका फिजिकल होगा तो 19 के बाद ही आपको ये डेट एक नई डेट दिख सकती है क्योंकि अभी कोई यहाँ पे आपको डेट नहीं दी जाने वाली है तो ऐसे में आप अभी तैयारी करें फिजिकल के लिए तो फिजिकल जो है स्केलर के लिए बता दूँ तो स्केलर के लिए जो फिजिकल रहने वाला है आपका ही क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा क्योंकि इसमें किसी प्रकार का आपको अंक नहीं दिए जाने वाले हैं यदि आप इसे क्वालिफाई कर देते हैं तो आप जो है रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं रिटर्न एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो जैसे कि इसमें आपकी चार एक्टिविटी हैं और शारीरिक मापदंड के साथ आपको क्वालिफाई करना होगा शारीरिक मापदंड यदि आप क्रॉस नहीं कर पाते तो आप शारीरिक दक्षता परीक्षा को क्रॉस नहीं कर पाएंगे ठीक है जी तो शारीरिक मानक क्या है एक बार आप देख लें कि इसमें पुरुष के लिए एक सौ से तिरसठ सेंटीमीटर रखी है ऊंचाई और महिला के लिए एक सौ से पचास सेंटीमीटर रखी है सीना फुलाने पर पाँच सेंटीमीटर होना चाहिए मेल कैंडिडेट्स का एक्सपेंसन ठीक है जी पर्वतीय क्षेत्र हैं तो उन्हें फ़ायदा मिलेगा लेकिन पर्वती प्रमाण पत्र भी होना जरूरी हो जाता है उसके बाद देखिए इसमें जो आपको चार एक्टिविटी होंगी जब आप शारीरिक मापदंड को क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद जो पुरुष कैंडिडेट्स होंगे उन्हें पच्चीस किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी इसके लिए चार घंटे का समय दिया जाएगा उसी प्रकार से महिला के लिए कहें तो महिला को चौदह किलोमीटर दौड़ लगानी है और इसके लिए भी चार घंटे दिए जाएंगे शॉर्ट बुट यानी कि यहाँ पर गोला फेंक करना है इसमें जो गोला फेंक की जो तो वजन रहेगा ना सेवन पॉइंट टू तक रहेगा और ये आपका तेजी में रहेगा और इसमें देखिए आपको पचास पाँच मीटर क्रॉस करना है मेल कैंडिडेट्स के, के लिए और साथ ही फीमेल कैंडिडेट्स के, के लिए थ्री पॉइंट फाइव तक आपको क्रॉस करना है ये लिमिटेशन है इससे आगे आपको क्रॉस करना ही है तभी आप रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर और उसके बाद लंबी कूद की बात करें तो लंबी कूद में चार मीटर है और दो मीटर महिला कैंडिडेट्स के, के लिए है साथ ही ऊंची कूद की बात करें तो वन पॉइंट वन मीटर आपको कूदना है ऊंची में और जीरो पॉइंट सेवन जीरो मीटर यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स को कूदना है यदि आप इन सारे को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका क्या हो जाता है यहाँ पे रिटर्न एग्जाम हो जाता है इसके लिए उस रिटर्न एग्जाम में आपके हंड्रेड क्वेश्चन होते हैं टू आवर्स का समय दिया जाता है जिसमें फिफ्टी क्वेश्चन आपके सामान्य विज्ञान के होते हैं फिफ्टी क्वेश्चन आपके गणित के होते हैं इसके लिए आपको कौन कौन सी बुक परचेज करनी है कौन कहाँ कहाँ से आपने कंटेंट ढूंढना है वो आपको मैंने बता रखा है एक सेपरेट वीडियो में जिसमें बुक लिस्ट वगैरह बता रखी है तो सामान्य विज्ञान लुसेंड की तो आप ज़रूर ले लें साथ ही आप नाइन्थ टेंथ की जो एन बुक वगैरह हैं उनको भी आप पढ़ लें साथ ही इलेवन टेंथ का भी पढ़ लीजिएगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है वहीं से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं तो इस तरह से स्केलर का जो है फिजिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है और साथ ही इफ़िशेंसी रहने वाली है पीएमटी और पीएफटी जो आपका होगा ये आपको जो डेट निर्धारित होगी वो आपको यानी उन्नीस के बाद देखने को मिलने वाले है तो आप तैयारी कंटिन्यू करते रहें वहीं बात करूं यदि दरोगा की फिजिकल की तो यहां पे जो क्राइटेरिया रहने वाली है मेजरमेंट की तो यू आर एस टी ओ बी सी और ई डब्ल्यू एस के लिए एक सौ सड़सठ सेंटीमीटर रहने वाली है और एक सौ बावन सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एस सी के लिए एक सौ साठ सेंटीमीटर एक सौ सैंतालीस सेंटीमीटर है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और यदि हिल एरिया के कैंडिडेट्स के हैं तो एक सौ बासठ दशमलव छः जीरो सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट्स के लिए और एक सौ सैंतालीस सेंटीमीटर यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रहने वाला है जिस मेजरिंग की बात करें केवल ऑनली जो रहेगी आपकी मेल कैंडिडेट्स के लिए रहेगा जिसमें यू आर जो है एस टी है ओ बी सी ई डब्ल्यू एस के लिए अठत्तर दशमलव आठ और एक्सपेंशन की बात करें तो तिरासी दशमलव एट सेंटीमीटर होना जरूरी है और एस सी जो कैंडिडेट होंगे और हिल एरिया के होंगे तो उनको लिए छिहत्तर दशमलव पाँच सेंटीमीटर और इक्सी दशमलव पाँच सेंटीमीटर होना जरूरी है जबकि वेट जो मेजरमेंट होगा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वहाँ पर फोर्टी फाइव के जी आपका होना कंपलसरी है फोर्टी फाइव के जी नहीं हो पाएगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा यदि आप यहाँ पे पी एम टी यानी फिज फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट को क्रॉस कर जाते हैं उसके बाद आपका फ़िजिकल इफ़िशेंसी टेस्ट होता है इसमें जो टास्क दिए जाते हैं आपकी वो होता है क्रिकेट बॉल थ्रू इसमें जो है पचास मीटर आपको क्रॉस करना है और इसमें फीमेल को बीस मीटर करना है हाई जंप की बात करो तो तेरह फिट है और आठ फिट है यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए उसके बाद चिनअप जो है केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं फाइव टाइम्स करने हैं आपको उसके बाद देखिए रेस एंड वॉकिंग है यहाँ पे रेस एंड वॉकिंग जो है यहाँ पर पाँच किलोमीटर है और इसके लिए आपको तीस मिनट का समय दिया जाएगा जबकि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए दो सौ मीटर्स हैं जिसके लिए आपको चालीस सेकंड का समय दिया जाएगा तो फीमेल uh, कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी कम समय दिया गया है देखिए उसके बाद आता है सेटअप्स फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं सेटअप्स में देखिए चार आपको क्या करना है यहाँ पर चालीस लगाने हैं ठीक है दो मिनट में और दो मिनट चालीस सेकेंड में एंड पचास इन साठ सेकेंड्स में उसके बाद देखिए अगला जो रहने वाला है आपका जो वो रहेगी स्कीपिंग स्कीपिंग जो है ये रहेगी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो कि आपको साठ मिनट इन वन मिनट में करने हैं साठ टाइम्स करने हैं सिक्स टाइम्स करने हैं वन मिनट्स में ठीक है उसके बाद शटल रेस है जो कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है उनतीस सेकेंड में करना है तो ये आपकी एक्टिविटी हैं इस एक्टिविटी की आप प्रैक्टिस करते रहें तो जल्द ही इसका जो है फिजिकल कैलेंडर जारी हो जाएगा जो कि जो पी जारी करेगा दरोगा का उसके साथ ही जो है जो आपका आबकारी आप रिटर्न एग्जाम है जो वो भी आपको जल्द ही अनाउंसमेंट होता हुआ दिख जाएगा साथ ही स्केलर का जो है दो सौ स्केलर के जो है दो सौ पोस्ट जो है उसका भी जो है जल्द ही आपको फिजिकल तय हो जाएगा जैसे ही फिजिकल डेट अनाउंस होती है दोनों आयोग द्वारा यू की पी और यू की एस एस सी के द्वारा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा तो आप बने रहें चैनल के साथ साथ ही टेलीग्राम का चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आती रहती है तो उसे भी आप ज्वाइन कर लें तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में